आई नो कि मुझे लाइफ में क्या करना है, मुझे अपने गोल पॉइंट्स पता है और मुझे ये भी पता है कि मुझे कौन से स्टेप किस टाइम पे उठाना है, लेकिन ये लेजीनेस बीच में आ जाती है और मैं कभी कुछ नहीं कर पाती। ये लेजीनेस बीच में आ जाती है, जिसको हम लेजीनेस बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा दिन सिर्फ बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ तो करते होंगे। हाँ जी, लेकिन अपने गोल से रिलेटेड कम करते हैं। हाँ जी, और जो चीजें वो ज्यादा करते हैं, जैसे टेलीविजन हो गया, मोबाइल हो गया, ये सर, जैसे लाइक अगर मैं स्टडीज कर रही हूँ, मैं स्टडी कर रही हूँ कुछ, तो मैंने ओनली सोचा कि अगर अच्छा मैं एक घंटे में अपने 2 चैप्टर्स कंप्लीट करूंगी, बट 15 मिनट्स में मैं इतनी ज्यादा बोर हो जाती हूँ कि अब नहीं करना। मतलब ये है कि जो लेजीनेस का एक कॉज, जो आपने यहाँ पे वर्ड यूज किया, दैट इज बोर हो जाती हूँ। इज बोर्डम दी कॉज ऑफ लेजीनेस? कि जब हम कुछ बोरिंग करते हैं तब हम लेजी होते हैं, या जब कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं तब भी हम लेजी होते हैं? जैसे आज का सेशन यहाँ पे आना इंटरेस्टिंग लग रहा था या बोरिंग लग रहा था? आपके पेरेंट्स ने जबरदस्ती भेजा है आपको यहाँ पर, या उन्होंने रोकने की कोशिश करी थी फिर भी आप लड़ झगड़ के आ गए? हुआ होगा ऐसा भी किसी ना किसी के साथ में, पिट पिटा के आए हैं, चाटे वाटे खा के आए हैं, व्हाटएवर। नींद कितनों को ढंग से नहीं आई? मतलब एक्साइटमेंट था, सुबह अपने आप अलार्म से पहले उठ गए। तो क्या हमको समझ आ रहा है, जिस काम में हमारा इंटरेस्ट होता है वहां पे हम कभी लेजी नहीं होते। और ये भी हो सकता है कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगता है लेकिन मुझे बोरिंग लगता है, तो जैसे ही मेरे से वो काम करवाया जाएगा तो वहां पर मैं लेजी हो जाऊंगा। डू यू वॉन्ट मी टू गो इन द फंडामेंटल्स, या फिर आपको स्टेप्स बताऊं लेजीनेस से बाहर आना है? स्टेप वन ये है, मेक अ प्लान। स्टेप टू, स्टिक टू इट। स्टेप थ्री, इवन इफ यू डोंट स्टिक टू इट, अगेन स्टिक टू इट। खत्म। आप कहोगे हाँ ये बढ़िया है, वो ना आना कुछ नहीं है। थोड़ा सा इसको डीपली समझने की कोशिश करते हैं। हमारी ब्रेन, आपकी ब्रेन नहीं, मेरी ब्रेन नहीं, हमारी ब्रेन इसी तरह से काम करती है, बेस्ड अपॉन प्लेजर, सीकिंग प्लेजर एंड अवॉइडिंग पेन। क्या हम सुबह से रात तक जो भी कुछ करते हैं ऐसे ही नहीं करते हैं? जैसे भी आप एक्ट कर रहे हो, अपने आप से झांक करके देखो अपने माइंड के अंदर, क्या हम ऐसे ही नहीं एक्ट कर रहे हैं? बेस्ड अपॉन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। अब ध्यान से समझना प्रॉब्लम क्या है। यहां पे एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। जो भी आप करना चाहते हो उसके लिए जो करना पड़ेगा वहां पर पेन है। वी डोंट वॉन्ट टू गो टू स्कूल और कॉलेज और इवन एट वर्क। आप में से कितने वर्किंग है, इन द सेंस के जॉब कर रहे हैं? आप लोगों को काम पे जाने में मजा आता है या जब महीने के एंड में जो मिलता है हाथ में उसमें ज्यादा मजा आता है? कि अगर बिना जाए मिल जाए तो अरे बट मजा आ गया। कि अभी अगर 6 डेज अ वीक है वो 5 डेज हो जाए, 4 डेज हो, 3 डेज हो जाए, मजा ही आ जाएगा। मतलब समझ लो क्या हो रहा है। यू वॉन्ट टू अवॉइड इट, यू वॉन्ट टू अवॉइड वर्क एंड यू वॉन्ट टू गेट ऑल द प्लेजर्स दैट कम्स थ्रू मनी। ये काम ना करना पड़े, मिल जाए फटाफट से जो मुझे चाहिए। तो अभी कॉन्फ्लिक्ट क्या है यहां पर, बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि जो भी आप करने वाले हो उसका रिजल्ट आएगा बहुत बाद में, और ये भी श्योरिटी नहीं है कि रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल किसी एंट्रेंस की आप तैयारी कर रहे हो, ये भी श्योरिटी नहीं है कि आप क्रैक कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, और अगर ये श्योरिटी भी है तो कितने साल बाद जाके उसका रिजल्ट आएगा, 2 साल 3 साल 5 साल। लेकिन अभी रात में पॉपकॉर्न लिया और टीवी देख रहे हो, वहां पे प्लेजर कितनी देर में आया? इमीडिएट आ रहा है, तो ब्रेन क्या करेगी? इमीडिएट की तरफ ही जाएगी। ये पूरी की पूरी जड़ है जो हमको पकड़ में आ रही है। तो अब इसका रास्ता क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? अब होता क्या है, एक मजेदार बात आपको बताऊं, हमारे पास गोल्स भी होते हैं, ड्रीम्स भी होते हैं, लेकिन तब भी हम पेटी प्लेजर्स में उलझ करके रह जाते हैं। करना कुछ चाहते हैं लेकिन करते कुछ और है, जिसका हमारे गोल से कोई कनेक्शन नहीं होता है। अपने गोल्स को पोस्टपोन, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गोल्स तो है हमारे पास, लेकिन वो गोल्स या वो ड्रीम्स उसमें एक्चुअल में कुछ है ही नहीं। मतलब उनको आप सपने तो बोल सकते हो, ड्रीम्स बोल सकते हो, क्योंकि ड्रीम्स किसके पास नहीं होते, सबके पास होते हैं। ड्रीम क्या है कि मैं अपने हाथ से एक रॉकेट बनाऊंगी, उसको मैं ना मार्च पे लेकर के जाऊंगी। कैसे बनाऊंगी, ये मेरे पास में एक कॉपी है, बस इसी के पेट फाड़ फाड़ के मैं नहीं जा रहा, नहीं जाता, मैं नहीं कर रहा, गंदा गेम है, मैं नहीं खेलती। संदीप सर क्या बोलते रहते हो आप अपने सेशन में, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग नहीं हुआ, मैंने किया नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है, फर्क समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? एक है ड्रीम, एक है विजन। विजन मतलब क्या, कि मेरे को ये करना है, इससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, फिर ये कोर्स, ये कोर्स। विजन को आप जितना क्लियरली देख सकते हो रियलिटी बनते हुए,
और वो विजन एज गुड एज रियल है आपके माइंड में, दुनिया के लिए नहीं है, हो सकता है आपके घर वालों के लिए भी नहीं है, बट यू नो इट फॉर श्योर दैट आई हैव अ प्लान, अ फुल प्रूफ प्लान, मैं कर जाऊंगा, मैं कर जाऊंगी, ये मेरी विजन है, इसको मुझे अचीव करना है इतने साल के, आई विल डू इट। तब वहां से ब्रेन में कुछ केमिकल्स रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कुछ खाते हैं जो हमको पसंद है तो कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, डोपामाइन रिलीज होता है। तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं या गोल्स हैं उसके बारे में अगर आप सोचते भी हो, बोलने के लिए बोलते हो कि हाँ मेरा ये ड्रीम है गोल है, लेकिन उसकी वजह से कुछ भी अंदर रिलीज नहीं होता, क्योंकि अगर होता तो आप रोक ही नहीं सकते थे अपने आप को, तब तो डिस्ट्रैक्शन का टॉपिक ही क्लोज हो गया, क्योंकि जहां ज्यादा रिलीज होगा वहीं पर आप जाओगे। ब्रेन को जहां पर ज्यादा सेंसेशंस होंगी, जहां पर ज्यादा मजा आ रहा होगा, अपने आप ही आप वो काम करने लग जाओगे। ऐसा ही नहीं हो रहा है सुबह से रात तक, यानी जिस मंजिल तक आपको पहुंचना है अगर वो मंजिल बिल्कुल क्लियर है माइंड में, एंड इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट रीचिंग देयर, वो मंजिल आपको साफ नजर आ रही है, तो रास्ता चाहे जितना मर्जी मुश्किल हो वो भी अच्छा हो जाता है।